प्लस ऑपरेशन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर, डिफाइनिंग नेचुरल नंबर. डिफाइनिंग नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इनपुट एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज कुमार शर्मा, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर. और आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर का एक थर्ड टॉपिक है, दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन. थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को. तो थोड़ी सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि पहली चीज़, बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ फंक्शन. तो होपफुली आप लोगों ने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स है रिलेशंस के और फंक्शंस के वो रिवाइज कर लिए होंगे, तो फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा, राइट. तो फंक्शन है तो मतलब कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, राइट. यही फंक्शन की डेफिनेशन थी कि जो भी हमारे पास पहला सेट है उसके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा सेकेंड सेट में से, राइट. तो यहां पर भी आप इसका नाम देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. तो बाइनरी वर्ड से समझ में आता है कि हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, किसके लिए, इनपुट के लिए, करेक्ट. दो एलिमेंट होंगे जिसके ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन. लेकिन ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है. तो बाइनरी ऑपरेशन का यूनिकनेस क्या है कि ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग दो इनपुट डालते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग प्लस की बात करें कि हम लोग दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या डीप में, ठीक है. तो स्लोली हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, राइट. बाइनरी ऑपरेशन, तो जनरली हम लोग कुछ साइन यूज करते हैं. जैसे फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एफ जी एच, लगाते हैं ना कि एफ एक्स जी एक्स, राइट. तो यहां पर भी हम लोग कुछ साइन यूज करते हैं. तो जनरली जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि स्टार लगाया हुआ होगा बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. डेल्टा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है. इस तरह से स्टार बना सकते हैं हम लोग. जैसे प्लस साइन यूज करते हैं तो प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, डिवीजन का साइन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का साइन लगा सकते हैं. यूनियन एक ऑपरेशन होता है, बाइनरी होता है या नहीं होता वो हम लोग चेक करेंगे. इंटरसेक्शन होता है, तो ये सारे हम लोग साइन यूज करने वाले हैं. तो कन्फ्यूज नहीं होना पहली बात तो कि ये स्टार क्या आ गया, राइट. तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि माना हमारे पास एक सेट है, लेट वी हैव अ सेट कैपिटल ए, ठीक है. इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके. देन द ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन operation if the star operation defined from A cross A to A, ठीक है. तो पहले हमने क्या बोला कि binary operation एक function होता है, ये ध्यान में रखना है. binary operation is a function. यहां पे मैं लिख देता हूं कि binary operation is a binary ऑपरेशन इज अ फंक्शन, ठीक है. ये लिखने से क्या फायदा है कि हमें पता होगा कि हर इनपुट का एक आउटपुट होगा, हर इनपुट का एक आउटपुट होगा. अभी हम लोग समझेंगे कि इसका यूजेस कहाँ आने वाला है, ठीक है. तो ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेशन में जो एलिमेंट इनपुट में होता है वो कहां से होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, राइट. तो हम लोग ऑर्डर पेयर यूज करेंगे दो एलिमेंट को लिखने के लिए, कि दो एलिमेंट हमने लिया, यहां पे जो ऑपरेशन का साइन लगा हुआ है वो उन दोनों के बीच में लगाएंगे,
ठीक है, पहला एलिमेंट यहां से लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहां से लेंगे, मतलब जो ऑर्डर पे लिखा होगा उसमें पहला एलिमेंट ऑपरेशन का फर्स्ट एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट ऑपरेशन का सेकेंड एलिमेंट होगा, और आउटपुट भी कहां से होना चाहिए, आउटपुट भी जो है वो ए से ही होना चाहिए। इनपुट एलिमेंट्स और आउटपुट एलिमेंट सेम सेट से होना चाहिए तो ही वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, लेकिन हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना सके हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो होना चाहिए। अभी आपकी कंफ्यूजन्स भी दूर होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ कि चेक वेदर दीज फॉलोइंग फंक्शंस आर बाइनरी ऑपरेशंस और ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस और नॉट, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि प्लस एक ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर, डिफाइन इन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इनपुट एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से होंगे और जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर से होगा, ठीक है। इनपुट दोनों एलिमेंट और आउटपुट जो आने वाला है वो एलिमेंट, तीनों कहां से होने चाहिए, यहां से। तो हमें ये चेक करना है कि ये प्लस ऑपरेशन जो है हम लोग जो यूज करते आए हैं अभी तक वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तब कोई भी दो इनपुट लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए और चेक कीजिए कि उनका सम नेचुरल नंबर है या नहीं। तो दो नेचुरल नंबर्स का सम नेचुरल नंबर होता ही होता है, समझ में आई। तो ये ऑपरेशन क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन हुआ। मैं बोलूं कि डिफरेंस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इन नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक है। कोई दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनका सब्ट्रैक्शन क्या एक नेचुरल नंबर होगा, 2 - 1, दो एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर, उनका माइनस डिफरेंस जो है वो 2 - 1 जो होगा वो 1 होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर। लेकिन लेकिन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए होना चाहिए, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो 1 1 ले लो, 1 - 1 क्या आया, 0, 0 इज अ नेचुरल नंबर, नहीं। आप कोई भी एक एग्जांपल से उसको जस्टिफाई कर पाए, अपने लॉजिक को जो आपका आंसर है उसको जस्टिफाई कर पाए, वो दैट इज इनफ, ठीक है। एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी एग्जाम से, आपके बोर्ड एग्जाम से, स्कूल एग्जाम से, वहां पे एक एग्जांपल देके आप बता सकते हैं कि क्यों एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, समझ में आइए। तो छोटा सा लॉजिक था कि हर इनपुट के लिए, इसीलिए फंक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में क्या लिखता है, एवरी एलिमेंट हैव यस यूनिक एसोसिएशन, करेक्ट। तो यहां पे हर एलिमेंट को लेना है, तो यहां पे हर ऑर्डर्ड पेयर को लेना है, एन क्रॉस एन के हर ऑर्डर्ड पेयर को लेना है, समझ में आया। यहां पे जैसे हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट इज इन प्रोडक्ट की बात करें, इन नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आए। ऐसे हम लोग डिवीजन की बात करें, ठीक है, दो नेचुरल नंबर का डिवीजन क्या एक नेचुरल नंबर आएगा, 2 / 1 एक नेचुरल नंबर है, 10 / 5 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन आप क्या सोचें कि हम लोग ऐसा एग्जांपल लें कि जिससे ये फेल हो सके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग बोले कि 2 / 3 न्यूमरेटर को बड़ा कर दो, राइट, या दो प्राइम नंबर्स ले लो। तो यहां पर हम लोग उससे चेक कर सकते हैं कि 2 / 3 वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहां तक समझ में आया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कैसे चेक कर सकते हैं कि एक गिवन ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या। हम लोग यूनियन की बात करें, दो सेट ले लेते हैं किसी यूनिवर्सल सेट से, यूनियन की बात करें कि दो सेट्स का यूनियन क्या होगा, एक सबसेट होगा उस यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हो। तो ये सब क्या है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन हमें चेक करना है प्रॉपरली, समझ में आया, गिवन यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में तो होंगे, राइट। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ढंग से सोचना है और ढंग से आंसर देना है, समझ में आइए। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के। तो जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में,
उसको आप चेक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ के जो नोट्स हैं वो सब मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि उन्हें भी हेल्प हो, करेक्ट। चलिए टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला बात करूं कि कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है, वो चेक कैसे करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है, एक ऑपरेशन लिखा हुआ है स्टार, सेट दिया हुआ है ए, और इस सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार ऑपरेशन है, मैंने बोल दिया कि पहली बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये स्टार ऑपरेशन जो है वो ए में डिफाइन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ए से मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, देन यहां पे फॉर एवरी वर्ड, फॉर एवरी लगा लीजिए यहां पर, कि हर ए बी के लिए यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम होंगे तो वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, देन स्टार इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए हम लोग कॉम्यूटेटिव में क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं प्लस की बात करूं कि प्लस ऑपरेशन जो है, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर में बात किया हमने, जो प्लस ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है इन नेचुरल नंबर्स, तो यस इट इज द कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं नेचुरल नंबर में, वो भी क्या होगा, हमारा कॉम्यूटेटिव होगा, राइट। जैसे डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस जो है वो रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर में तो हमने प्रूव कर दिया कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। हम लोग यदि रियल नंबर ले लेते हैं या इंटीजर्स की बात करें तो वहां पे जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा लेकिन कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगा। जैसे कि 5 - 10, हम लोग किस में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स में, 5 - 10 कितना हुआ, -5। अब दोनों की पोजिशंस को चेंज कर दें, 10 - 5 तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5। तो दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंस आई, डिफरेंट आई, राइट। एक आया 5 और एक आया -5, तो उस कारण से ये जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो होपफुली आप लोग कॉम्यूटेटिव के बारे में जानते होंगे, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें डेफिनेशन प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए डेफिनेशन का, जिससे कि हम लोग आंसर दे पाए। ज्यादा बड़े डेफिनेशंस नहीं है तो हम लोग याद कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात करें एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव में हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, एसोसिएटिव में हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो ए में डिफाइन है, और हमने माना कि 3 एलिमेंट ले लें, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू, एसोसिएटिव में क्या करते हैं कि हम लोग ऑपरेशंस का पोजीशन यानी प्रेफरेंस चेंज करते हैं, ऑपरेशन का प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर, राइट, कि हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करने वाले, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है वो हम लोग चेंज करते हैं कि पहले मैं इसको ऑपरेट करूं
फिर उसके बाद सी से ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आएगा इसका उसको इसके साथ ऑपरेट करना है, या फिर कि हम लोग पहले बी और सी को ऑपरेट करें फिर उसके बाद ए से ऑपरेट करें। यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है तो, जैसे आप डिफरेंस की बात करेंगे वो नहीं आएगी, ठीक है। यदि मैंने रियल नंबर में ले लिया डिफरेंस को, कि रियल नंबर में हम लोग माइनस साइन, जो बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, राइट। अब हम लोग उसमें चेक करेंगे तो ये ट्रू नहीं होने वाला, हर एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं होने वाला, ठीक है। तो यदि हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, करेक्ट है। जैसे प्लस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास एसोसिएटिव होगा, चाहे रियल नंबर की बात हो चाहे इंटीजर्स की बात हो। प्रोडक्ट की बात करें वो भी एसोसिएटिव होगा, राइट। और हम लोग यदि डिफरेंस और डिविजन्स की बात करें तो वो नहीं होगा। यूनियन की बात की जाए कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके कुछ सबसेट से लेके हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम लोग ईजिली इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, यदि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, और डेफिनेटली हम लोग जैसे नेक्स्ट जो डाउट सेशन होने वाला है एनसीईआरटी के, जो गुड क्वेश्चंस का उसका डाउट सेशन, और जो एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, तो हमने रिलेशंस फंक्शंस का टॉपिक जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इस पर भी हम लोग उसी तरह के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो दो चीजें नोट डाउन करनी है कि हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन करता है तो वो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ठीक है, उसके यूजेस क्या है, वो हम लोग अभी देखने वाले। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बाइनरी ऑपरेशन का होता है और वो यूनिक होता है। क्या होता है, एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। तो माना, लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन सेट ए, इन सेट ए, इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए एंड एंड इफ देयर एग्जिस्ट exist another element, element small e belongs to set A। ये ध्यान में रखना है कि जो वो element है वो भी A में से ही होना चाहिए, जो element है वो, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर discuss करता हूं कि हमारे पास A एक element है, E एक element है, ठीक है। And if there exists another element this says that A star E is equals to A is equals to E star A, then E is called identity element, identity element of binary operation star। देखिए ये क्या है, ध्यान से सुनिए कि जो हमारे पास सेट ए है उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो ई जो कि
हर एलिमेंट जो भी अदर एलिमेंट्स है सेट ए के, उनके साथ ये रिलेशन होल्ड करे। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि या तो वो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो वो इसको चेक कर लेते हैं या फिर इसको चेक करते हैं। दोनों को चेक करना जरूरी है, ठीक है। यदि आपने एक को ही चेक किया क्या मिस्टेक हो सकती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो ई है, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो जो एलिमेंट ई है, जो एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था ई, वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा उस बाइनरी ऑपरेशन का। समझ में आई? जैसे मैं छोटे से एग्जांपल्स लेता हूं फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लिया जो प्लस ऑपरेशन है, ठीक है प्लस ऑपरेशन है किसमें, रियल नंबर में, रियल नंबर्स में, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आपको चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। यदि वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है यहां पे ये बाइनरी ऑपरेशन, मैं बोलूं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट क्या करेंगे, आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, मैंने मान लिया वो ए है जो कि रियल नंबर से, वो एक रियल नंबर है, ठीक है। हमने माना कि एक हमारे पास एलिमेंट है क्या, ए, जो कि रियल नंबर है। नाउ हमने माना कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई है, ये क्या है, ये क्या है, हमने अज्यूम किया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है प्लस ऑपरेशन का ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये अननोन है, ये हमें निकालना है, ठीक है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसमें रखूंगा कि ए के साथ मैंने ई को ऐड किया जो कि अननोन है, हमारे पास ए आना चाहिए। मान लो कुछ बच्चों ने इसको ट्राई किया, ठीक है अब आप क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, बोलेंगे कि ई इज जीरो, ठीक है। यहां पे आपका काम हो जाएगा यदि इसको चेक नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि आप इसको चेक करते हैं कि ई प्लस, मेरा तो सुझाव ये होगा कि आप दोनों को चेक करें कि जिससे गलती ना हो। तो ई क्या हो जाएगा, दोनों सेम आए, दोनों सेम आने चाहिए। यदि नहीं आते तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां पे बोलेंगे कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई? जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि माइनस कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर, ये बाइनरी ऑपरेशन है, यस ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसका एक एलिमेंट ले लेता हूं, रियल नंबर में से एक एलिमेंट ले लेता हूं, मानता हूं कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसे मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है यस हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट डेफिनेशन, बहुत सारे बच्चे इस फर्स्ट डेफिनेशन को यूज करेंगे, तो वो क्या लिखेंगे कि ए स्टार, स्टार की जगह अभी क्या साइन लगाना है, माइनस, ई इज इक्वल्स टू ए। यहां पे क्या हुआ बच्चों कि हमारा ई ई कैंसिल, सॉरी ए ए कैंसिल, तो ई क्या आ गया, जीरो। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ए इज जीरो, जिन्होंने ये काम में लिया। लेकिन हमें क्या करना है, हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, हमें तो ये भी चेक करना है। तो ये चेक करते हैं क्या आता है, क्या आएगा हमारे पास, e माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। तो यहां पर ए कैंसिल नहीं हुआ, हमारे पास e कितना आ गया, 2a। दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है। तो यहां पे क्या कंक्लूड करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए जो ये प्रीवियस जो ये ऑपरेशन था ये कॉम्यूटेटिव था, ठीक है, और ये वाला ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं था, तो कुछ तो रिलेशन होगा। तो मैं बोलूं कि एक ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं कि एक ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, देखिए इन दोनों को हमने इक्वल रखा है ना, हमने यहां पे क्या किया बच्चों, हमने इक्वल रखा है, राइट,
एक मिनट देखिए, हमने यहाँ पर इक्वल रखा, इसको और इसको भी तो इक्वल रखा है, तो ये कॉम्यूटेटिव का नहीं बता रहा है क्या कि एक ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा तो उसकी चांसेस है कि उस ऑपरेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। यदि कोई ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है तो डेफिनेटली उसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं किस पे, एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें, ठीक, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, मैंने यहां पे क्या लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, ठीक है, पहली चीज ये। लेकिन इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है कि इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम मानो कि हमारे पास एक ऑपरेशन है, लेट वी हैव अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन सेट ए, डिफाइन इन सेट ए, ओके, एंड ए बिलोंग्स टू बी, एंड स्मॉल ई, व्हाट स्मॉल इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार, ठीक है। मान लिया कि एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, उसका ई जो है, स्मॉल ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हमारे पास ए है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट ए, देखिए जो E होता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो भी A से ही होना चाहिए, ठीक है, सेट A से ही होना चाहिए, ये A हमने सेट A से लिया। एक हमारे पास और एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो कि B है, वो भी कहां से हो, सेट A से हो, देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट A सेज दैट A star B is equals to E is equals to B star A, कि देखो वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस में समझाया आइडेंटिटी एलिमेंट पर। देखिए हम लोगों ने इनको भी तो इक्वल रखा है, तो देखिए कॉम्यूटेटिव तो होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस तरह से हो, क्या A star B is equals to E, E is what, E is the identity element, is equals to B star A, then B is called inverse element of element A of एलिमेंट ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। कि देखिए हमने क्या बात की कि जो बी है ना वो होगा इनवर्स एलिमेंट किसका, ए का, तो मैं बोलूं कि एक एलिमेंट और है सी, उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, बी होगा क्या, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, यूनिकनेस नहीं होता, ठीक है। जैसे प्लस की बात करें कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस में, रियल नंबर्स में, इंटीजर्स में, राइट है। मैं बोलूं कि मैं मान लेता हूं कि इंटीजर्स ले लेता हूं, कि प्लस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आई,
आई स्टैंड फॉर इंटीजर्स. मैं बोलूँ कि इसका इनवर्स सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो. ठीक है, अब मैं बोलूँ कि वन का इनवर्स एलिमेंट क्या है, माइनस वन होगा ना. देखिए वन का मैं पूछ रहा हूं कि क्या है आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट, मान लिया वो बी है, तो वन प्लस बी इज जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन. यहां पे भी चेक कर लो, बी प्लस वन इज जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट तो जीरो है ना बेटा, तो बी क्या आ गया, माइनस वन. ऐसे फाइव का चेक करो, माइनस फाइव आएगा, टेन का माइनस टेन आएगा, समझ में आई है. तो हर एलिमेंट का अलग अलग. अब लेकिन मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर, ठीक है, प्लस को मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर में डिफाइन करना है, तो बताओ पांच का फाइव का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा. तो पहले तो आपको चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है. यस, बाइनरी ऑपरेशन है. आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो तो जीरो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में बात कर रहा तो नहीं कर रहा. जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इनवर्स एलिमेंट कैसे बता सकता हूं, नहीं बता सकता, तो बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इवन डज नॉट एग्जिस्ट. इज इट क्लियर. तो ये हमारे पास क्या था, बाइनरी ऑपरेशन. तो इसको आप लोग प्रॉपरली रिवाइज कीजिए. होपफुली मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे एनसीईआरटी के जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है. छोटा सा टॉपिक है, वेटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग क्यों छोड़े, ठीक है, राइट. तो हमें ये भी टॉपिक खत्म करना था, ठीक है. तो आप लोग इसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए और होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है, ये टॉपिक कवर करने में. मैंने प्रॉपरली कोशिश की है कि जो भी क्वेरीज होती है बच्चों की वो कवर कर सको इस टॉपिक में. छोटा सा टॉपिक है लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ये हाफ एन आवर का वीडियो प्रॉपरली देखें, समझ में आएगा. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें हाफ आवर एन आवर लगने वाले हैं. तो हम लोगों को जो भी फील होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है, तो लगे रहिए. चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय.